आप लोग बहुत ही मस्त हो गए, चकाचक हो गए। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर और आप लोग की खूबसूरती को निखारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा फेशियल। ये फेशियल समर में आपकी स्किन को ब्राइट करेगा। जो समर में गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से हमारा रंग काला हो जाता है, टैनिंग आ जाती है, उन सबको रिमूव करेगा। आपका चेहरा दमकने लगेगा आपका। अगर आपका रंग सांवला है ना, तो इस फेशियल को अगर आप 15 दिन में एक बार करते हो ना, तो आपका रंग भी साफ हो जाता है। आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, तो वो झुर्रियाँ भी खत्म हो जाएगी, झाइयाँ भी दूर हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम का हल है। आपकी स्किन कैसे भी है, ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, या फिर नॉर्मल है, कैसे भी स्किन है, आप लोग ये वाला फेशियल ट्राई कर सकते हो। और पूरा फेशियल का स्टेप होगा, यानी क्लिंजिंग होगा, स्क्रब होगा, मसाज होगा, पैक होगा, एंड उसके बाद मैं एक बहुत ही कमाल का सीरम शेयर करूंगी, फेस सीरम, जो आप फेशियल के बाद लगाते हो, किसी भी फेशियल के बाद लगाते हो ना, तो पक्का आपकी जो स्किन है ना, अंदर से ग्लो करने लगती है। तो आज का वीडियो ना बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बीच में बिल्कुल मत छोड़ा, क्योंकि मैं इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे। यानी आप स्किन टाइप के हिसाब से, आपकी सेंसिटिव है या ऑयली है, तो आप क्या चेंजेस कर सकते हो इस फेशियल में, वो भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती रहूँगी, पूरा बताऊँगी आपको कैसे करना है। एंड मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया अभी तक, तो चलो ज़्यादा सस्पेंस पे नहीं रखते हैं और बताते हैं कि ये फेशियल आखिरकार है क्या। ये जो फेशियल है वो है दही का फेशियल, यानी DIY दही फेशियल, जो आप घर पे कर सकते हो। समर में ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा गजब का होता है। एंड दही अगर हम खाते भी हैं, तो आप जानते हो कि दही हमारी खूबसूरती को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जी हाँ, अंदर से जो ब्यूटी हार्मोन्स हैं उन्हें बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ग्लो करने लगती है, एंड स्किन को टाइट करने में भी मदद करता है, डार्क धब्बों को रिमूव करता है। एंड इसको खाने के बाद स्किन फेयरनेस भी होता है, इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर हम इसे खाते हैं तो इतना ज़्यादा फायदेमंद है, अगर हम स्किन पर लगाएंगे ना, तो उतना ही फायदा ये स्किन को भी देगा। तो हम फेशियल करेंगे, पूरा बताऊँगी आपको कैसे करना है। तो चलिए फेशियल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है यार, फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो घंटी है ना उसे क्लिक कर देना, क्योंकि अगर उसे क्लिक नहीं करते हो बेल आइकन, तो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है। फिर आप कहते हो श्रुति आप वीडियो डालते ही नहीं हो, मेरे को इंस्टा पे बोलते रहते हैं, फेसबुक पे बोलते रहते हैं, यार मैं वीडियो डेली ही लगभग अपलोड करती हूँ, इसमें मेरी तबियत खराब हो गई तो नहीं किया था। तो यार घंटी ज़रूर बजा देना, और घंटी के साथ ऑल का बटन होता है उसे भी क्लिक कर देना, उसे नहीं क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, चाहे आप जितनी भी घंटी बजाओ, तो घंटी ज़रूर बजा देना। और वीडियो आपको 100% पसंद आएगा ना, गारंटी है, अभी से लाइक कर दो। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं अपने मेकअप को रिमूव। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ लगाया नहीं है, मेरी ऐसे स्किन ग्लो कर रही है, और ये लिपस्टिक रह गई, ऐसे भी रिमूव करते हैं, और अपने बालों में भी कुछ बांध देते हैं। तो चलो मैं हो गई हूँ तैयार इस फेशियल को करने के लिए, और ये जो मेकअप था मैं ना मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हो। तो चलो फटाफट मेकअप ये फेशियल शुरू करते हैं। एंड फैन ऑन कर रखा है, अभी तक मैं फैन ऑफ करके ही वीडियो बनाती थी, बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, और गर्मी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए फैन हमेशा ऑन करना पड़ता है मुझे। तो चलो हम लोग ये फेशियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए मैं केवल दही ही यूज करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें ऑलिव ऑयल या फिर एलोवेरा जेल या शहद भी मिला सकते हो, बट मैं केवल दही से ही क्लिंजिंग करूँगी। तो हमें इसे फेस पे लगाना है, थोड़ा सा ही दही लिया है, और इसे 2 से 3 मिनट मुझे मसाज करनी है, ठीक है, और उसके बाद ये जो दही है इसे रिमूव कर देना है। तो इसे लगा लेते हैं एंड मसाज करते हैं फटाफट, हल्के हाथों से मसाज करिएगा, अपने स्किन को ज़्यादा रफ मत करिएगा, ठीक है। आपको बता दें दही में ना एक खटास होती है, जो खटास हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे स्किन को अंदर से निखारता है, ठीक है, गंदगी को दूर करता है, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी दाग धब्बों को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसे हल्के हाथों से जैसे हम मसाज करते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे, थोड़ा मैं तेज करूँगी ताकि, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना, फिर आप लोग बोर हो जाते हो, तो हल्के हाथों से करूँगी मैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ आपको दही कैसे लेना है। दोस्तों आप चाहो तो घर का जमा हुआ ही दही लो, क्योंकि उसमें ना कोई मिलावट नहीं होती, घर का जमा होता है वो। बाहर वाला अगर अमूल वगैरह कंपनी का लेते हो पैकेट वाला, तब तो एक बार आप विश्वास कर सकते हो, बट अगर आप वैसे खुला दही लेना चाहोगे तो कभी कभी उसमें मिल्क पाउडर वगैरह मिला देते हैं, तो हर स्किन को वो सूट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको
हो सके तो घर का ही जमा दही ले, एंड ड्रॉप हो सके तो ताज़ा दही ले, ठीक है। बासी दही में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं तो वो कभी कभी स्किन को नुकसान कर जाता है, ताज़ा दही बेस्ट होता है। तो आप ताज़ा दही लीजिए एंड समर में ये वाला फेशियल करके देखना भाई, बता रही हूँ ना, बहुत ही अच्छा विकार आएगा। आप मेल हो या फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सभी करो, बहुत ही अच्छा निकाल देता है एंड यार फेस की थकान भी दूर हो जाती है। तो ये हो गया है मेरा क्लिंजिंग, और क्लिंजिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसे हम रिमूव कर लेंगे। तो आपको ठंडे पानी का यूज करना है तो मैं ये स्पंज पैड से, मैजिक पैड से रिमूव करती हूँ। एंड हम अब बढ़ रहे हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड क्या होता है, होता है स्क्रब। तो हमें स्क्रब करना है। स्क्रब के लिए एक मिनट से साफ तो कर दूँ मैं पहले इतनी जल्दी मसी रहती है ना मुझे, लोग मुझसे शिकायत करते हैं यार श्रुति तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलती हो, बट मेरी हैबिट ही ऐसी है। तो मैं क्या करूँ, मैं आदत से थोड़ी सी मजबूर हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा बारी है स्क्रब की। तो स्क्रब के लिए हमें क्या लेना है, अगेन हमें लेना है दही, और फिर लेनी है इसमें थोड़ी सी चीनी। चीनी बहुत ही अच्छा होता है खासकर स्क्रब के लिए, अगर आप घर पे स्क्रब करने वाले हो ना तो चीनी ज़रूर ऐड करो। मैंने यहाँ पे आधी चम्मच चीनी ऐड की है। यार घर में फेशियल कर रहे हो तो थोड़ी हर चीज़ की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग, या घर का माल है तो आप इसे अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है कि आप उतना ही करो जितना मैं कर रही हूँ, बट अपने फेस के अकॉर्डिंग बर्बाद नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो इसे मैं 5 मिनट मसाज करने वाली हूँ। एंड अगर आप घर पे फेशियल करते हो, कुछ लोग कहते हैं घर पे ही फेशियल किट ला के रख लेते हैं और उससे फेशियल करते रहते हैं, पार्लर नहीं जा पाते, तो यार घर पे हो तो घर की चीज़ों को फेशियल करो। हाँ शादी वादी में जाना है आपको, कोई स्पेशल गोल या उस तरह का फेशियल करना है तो आप कर लो भैया, लेकिन अगर आप घर पे क्लीन, अपनी स्किन को क्लीन रखने के लिए फेशियल कर रहे हो तो घर की DIY चीज़ों से फेशियल करो, बेस्ट होता है। और कुदरत ने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं हमारे स्किन के लिए, तो बाहर की केमिकल वाली चीज़ें लगाने का क्या मतलब होता है, तो घर का ही करो। इन समर में ये आपकी जो टैनिंग हो जाती है ना, कालापन, पसीने से कालापन, धूप से कालापन, उन सबको दूर करने में ना बहुत ही अच्छा है, एंड आपको गोरा निकाल देने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो मैं इसे लगभग 4 से 5 मिनट मैं करवाती हूँ मसाज हल्के हाथों से, लोगों मीठा भी होने वाला है। एंड आपका हाथ जब थक जाए तो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे मत करिए, ऐसे करिए, नहीं क्या कर लूँ मैं, ये उंगलियाँ इस तरह करिए, बहुत ही अच्छा आराम मिलता है आपको, ठीक है। और ऐसा करने पे कलाई पे जोर पड़ता है और ये काफ़ी अच्छा होता है। तो 5 मिनट मैंने कर दिया है स्क्रब, अब हम इसे करने वाले हैं इसे रिमूव। तो ये काफ़ी अच्छा स्क्रब होता है, पैर का आगे है ऐसे, ये रहा। तो मैं इसे करने वाली हूँ रिमूव, मैं आपके सामने सब कुछ करने वाली हूँ, नहीं तो मैं जाके धुल भी सकती थी, इसलिए मैं ये मैजिक पैड लेके बैठी हूँ, ठीक है। सब कुछ क्लियर और सुविधा हो जाती है अगर सारा सामान आप एक ही जगह इकट्ठा कर लो। तो आप देख सकते हो मेरा चेहरा दमकने लगा है, और ये जब फेशियल करेंगे ना तो और निखार आता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि एक्चुअली आपकी स्किन अंदर से निखार पाए तो इसे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। दाग धब्बों को रिमूव करने में भी मदद करता है। एंड आपको अब मैं यहाँ बता दूँ, सबसे पहले मैं बना लेती हूँ पैर। तो यहाँ पर मेरा दही बच गया है, थोड़ा सा और दही इसमें ऐड कर लेंगे। एंड अब मैं इसे बनाऊंगी पैक, नहीं मसाज क्रीम एंड पैक दोनों ही एक साथ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, लगभग 1 चम्मच, एंड 1 चम्मच अब मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा स्पेशली हमारे रंग को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गोरा निखार चाहते हो तो आप चावल का आटा ज़रूर यूज करो, बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। तो अगर आप चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर गेहूँ का आटा भी ऐड कर सकते हो या बेसन भी ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे चावल का आटा ऐड कर रही हूँ क्योंकि यार मैं जब भी इसे यूज कर रही तो मुझे लगता है जो मेरी स्किन है वो 1-2 शेड जो है वो ब्राइट हो चुकी है। और इससे पहले मैंने आपके साथ चावल के आटे की पीलिंग शेयर की थी, यार अगर आपके चेहरे पे चेचक के दाग हैं, गड्ढे हैं, दाग धब्बे हैं तो पीलिंग सबसे बेस्ट होती है, पिंपल के दाग धब्बे हैं तो
पीलिंग जो होती है बहुत ही बेस्ट होती है, तो पीलिंग आप ज़रूर करो। और अगर वीडियो नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो की लिंक आई बटन पे है और वीडियो के एंड है वो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से यार रेड कलर का बटन दबा दो, कुछ नहीं लगने वाला है। मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहेंगे जो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। तो क्या करेंगे, इससे हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे एंड हम 5 मिनट मसाज करेंगे एंड 10 मिनट के लिए इस पैक को अपने फेस पर छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे का जो स्टेप है जो बहुत ही मेन है, जिसमें मैं आपको एक ग्लो सीरम बताऊंगी। जी हाँ, अगर आप फेशियल नहीं कर रहे हो, आपको शादी वगैरह में जाना है और तुरंत निखार चाहिए, तो उस ग्लो सीरम को यूज करके आप फटाफट निखार भी पा सकते हो। तो आज जो लास्ट का स्टेप है बहुत ही यूजफुल है, तो यार बिल्कुल भी स्किप मत करो, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो ये जो है मैं लगाकर पूरी बुद्ध बाबा बन गई हूँ एंड अब इसे अच्छे से लगा लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी मसाज स्टार्ट करते हैं। एंड नेक का है ना वो भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हमारी नेक जो है वो काली रह जाती है, वो फेस गोरा रहता है तो बड़ा गंदा लगता है देखने में, तो इसे भी हम लगा लेते हैं एंड अपनी मसाज हल्की हाथों से स्टार्ट करते हैं। तो गोरा निगाह लाने के लिए आप चावल के आटे का यूज करो, घर में सबसे अच्छा DIY है। तो हम इसे हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 5 मिनट का मसाज। अब 10 मिनट के लिए मैं अपने फेस पे यूं ही से छोड़ने वाली हूँ, 10 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं। तब तक ले थोड़ा सा अपने हाथों को आराम दे देती हूँ। पैक है वो सूख गया है, अब हम इसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं इस स्पंज से मैजिक पैड से इसे रिमूव करती हूँ एंड इसको आप देखिएगा, इसके बाद ही जो मेरा कलर होगा पहले से काफ़ी फेयर हो गया होगा, आप देखेंगे आपको बहुत नजर आएगा। ये देखिए पहले से आपको काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है, ठीक है, मेरा जो कलर है वो फेयर हो चुका है एंड ग्लो भी नज़र आ रहा है। अब हम लोग अपने आखिरी स्टेप की तरफ हैं, इसमें हमें एक ग्लो सीरम तैयार करना है एंड उसको लगाने के बाद ना यार बता रही हूँ सच में गजब का निकाल रहेगा। अगर आप फेशियल नहीं कर पा रहे हो ना, तो अगर पार्टी वगैरह में भी जा रहे हो तो इसे ज़रूर फॉलो करना। तो मेन हमारा है दही, और दही इतना ही बचा है, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो अब हम इसमें मिलाने वाले हैं थोड़ा सा ऑयल, यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल मिला रही हूँ क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आपके पास बेबी ऑयल है या नारियल तेल है तो उसको भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यार क्या कर रही हूँ, मैं एक ढक्कन इसे डाल देती हूँ। और यहाँ पे जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शहद। शहद हनी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये सभी आपको पता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हनी भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारे स्किन में ग्लो लाता है एंड हमारे जो दाग धब्बे हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ को आपस में मिला देंगे एंड हमारा जो ग्लो सीरम है वो बन के तैयार है। फेशियल के बाद इस सीरम को ज़रूर लगाएं, ठीक है, बस कुछ नहीं करना होता है, ऐसे आप अपने फेस पे अप्लाई करिए, ठीक है, हल्की मसाज देते हुए बहुत ही हल्के हाथों से, ठीक है, और 2 मिनट मसाज देंगे फिर छोड़ देंगे। दोस्तों आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं या 5 मिनट के लिए, जैसा भी आपके पास टाइम है आप छोड़ दो। एंड अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, रात के टाइम कर रहे हैं, तो इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, फिर देखिएगा क्या दमकता है आपका चेहरा। तो मैं इसे 2 मिनट लगाने वाली हूँ एंड 5 मिनट के बाद रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि मैं पूरी रात छोड़ दूँगी तो आपको दिखाऊँगी कब, तो ठीक है। लेकिन अगर आप घर पर हैं और आपके पास टाइम है तो आप इसे फॉलो जरूर करो उस स्टेप को पूरी रात के लिए, फिर देखिएगा और भी अच्छा निखार आएगा। तो मैं 2 मिनट इसे मसाज करूँगी एंड उसके बाद अपने फेस को क्लीन करूँगी, तो ठीक है, बस हल्की मसाज देनी है एंड उसके बाद हमें इसे छोड़ देना है एंड फिर उसके बाद वॉश कर लेना है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों 2 मिनट हो चुका है एंड आप ये देख सकते हो मेरे फेस पे, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। दोस्तों हो सके तो आप गुनगुने पानी से इसे यूज करिए, पर गर्मी का सीजन है तो नॉर्मल पानी से आप इसे निकाल सकते हैं। ये जो हमारा फेशियल है वो हो गया है कंप्लीट एंड उसके बाद आप मेरे फेस पे देख सकते हो ना, ये
एक चमक नज़र आ रही है। जी हाँ, ये फेशियल बहुत ही कमाल का है, इसे ज़रूर करना। घर की में भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं यार, और कुदरती चीज़ें हैं जो नुकसान नहीं देने वाली, साइड इफेक्ट नहीं देने वाली। एंड आप इसे थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है ठीक है तो आप ये लगा सकते हो, नॉर्मल है तो आप ऐसे ही फेशियल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं आपके फेस में, तो आप इसमें नीम का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, दही ऐड कर सकते हो, एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हो जो आपके पिंपल्स को दूर कर सकता है, आप उसको ऐड कर सकते हो। अर्ली स्किन है तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हो, तो यानी आप अपने पसंद से भी इसमें चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि घर का फेशियल है यार, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आप कर ही सकते हो। एंड कितना आपको मात्रा रखनी है दही वगैरह की, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करने वाले हो। तो ये फेशियल कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड कोई भी सवाल है यार, दिल खोल के पूछ लेना, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए होता है, दिल खोल के पूछे। एंड कोई भी आपका सजेशन है मेरे वीडियो को लेकर, या कोई टॉपिक है जो आप जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आप वीडियो शेयर करूं, तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। एंड यार वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और हाँ दोस्तों इस फेशियल को जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट्स बॉक्स में। और पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं इसी तरह के वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।